radius. Center and radius. सेंटर एंड, ये फिजिक्स में तुमको सेंटर ऑफ मास में भी काम देगा, कहां देगा? तो सबसे पहले आज हम लोग काम करेंगे सेंटर का। 11th क्लास का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होना चाहिए, ज्योमेट्री क्लियर होना चाहिए, आपको सारा सेंटर आ जाएगा। इस सारे बच्चों को फायदा होगा, चाहे 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, सेंटर सबको जानना है। बहुत कुछ ताजुब हो जाओगे, 7th क्लास में सेंटर पढ़ना है, और वो भी 6th सेंटर पढ़ना है। 7th क्लास का बुक में देखें, सेंटर तो है। तो सेंटर में पहला सेंटर आता है, हम लोग इन सेंटर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रेडियस में डाल दिया है। तो पहले हम लोग रेडियस वाला करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे? तो देखो इन सेंटर कैसे बनता है ये जानना जरूरी है। एक ट्रायंगल है एबीसी, बोलो यस या नो। जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलती है, कौन सी कहां पर मिलती है? कौन मिलती है? इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर और इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर जहां पर मिलती है, जहां पर मिलती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलती है, जहां पर मिलती है उसको इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इन सेंटर किसको कहते हैं? क्लियर है? क्लियर है? यानी एबीसी ट्रायंगल है तो ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। बोलो यस या नो। अब देखो यहां पर इसकी फॉर्मूला जानना है। अगर ये x1 है, y1 है और यहाँ x2 है और क्या है? और x3 और y3। बोलो यस या नो। आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे। कौन सा थ्योरम? बीपीटी पढ़े होंगे। बीपीटी यहाँ ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल क्या है? आप यहां पर आप पढ़े होंगे कि कोई एंगल इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल तो चाहे किसी को भी बाइसेक्ट करें, तो इस एंगल को अगर हम लोग बाइसेक्ट करते हैं तो ए बी बाई ए सी इक्वल डी डी बाई बी सी। बोलो यार डी डी बाई यस या नो। परे है कि नहीं परे? यस सर। अरे बोलो यार। यस सर। परे हो? और इसी ट्रायंगल को यहां रख दोगे, इसी ट्रायंगल को यहां रख देंगे, इसी ट्रायंगल को यहां तो यह बी होगा, यह सी होगा। और चूंकि रेशियो क्वांटिटी है तो बी के एंड सी के, बी क्या है? सी है। बी क्या है? सी है। बोलो ऐसे नो। तो यहां बी के एंड सी के हो गया। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था कि ये दोनों का सम ये होगा, यानी यहां से यहां तक बी के प्लस सी के और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए के। बोलो ऐसे नो। और सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार पढ़ चुके हो, ये ए है, ये बी है, ये आई है, तो यहां बी के प्लस सी के और ये ए के। बोलो यार। बोलो यहां की अगर कोऑर्डिनेट बात करें तो 10th क्लास में तुम लोग को सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना था। क्या पढ़ना था? सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना था?
क्या पढ़ा था? तो सेक्शन फार्मूला में तुम लोग पढ़ा है, उस सेक्शन फार्मूला के तहत, उस सेक्शन फार्मूला के यहाँ पर सी एक्स थ्री बी के एक्स टू बटे बी के प्लस सी के लिख सकते हो। तो यानी यहाँ पर बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई बी प्लस सी और रेशियो क्वांटिटी के है तो के लिख सकते हो। इसी ढंग से y वाले को बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री और बी प्लस सी इंटू के लिख सकते हो। यानी यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, यहाँ बी प्लस सी के और यहाँ पर बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री और बी प्लस सी इंटू के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो यार। तो यहाँ की जो है कोऑर्डिनेट लाना है, कहाँ कोऑर्डिनेट लाना है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो बोलो बी के सी के कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो। यानी इन सेंटर में अगर आपसे कोई पूछे तो इन सेंटर बराबर होता है ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बटे ए प्लस बी प्लस सी, और y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखिएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको सेंटर नहीं निकालना है, आपको सेंटर नहीं निकालना, आपको बेसिकली इसका रेडियस पर वर्क करना है। किस पर वर्क करना है? तो देखिए ये ट्रायंगल हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, और यहां पर तुम्हारे पास ये इन सेंटर जो बना है, कौन सा बना है? तो ये सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो यार। अब इस सर्कल में जो रेडियस हुआ, सर्कल में जो क्या हुआ, इसी रेडियस को निकालना है, बोलो यार। तो इसका फिगर थोड़ा सा इधर, टेंशन कोई मत लो, यहां पर एक सर्किल बनाने का, सर्किल बनाने का। अब इसका यह इन सेंटर आने का, कौन आने का, तब ये ट्रायंगल ऐसे ऐसे कितना ट्रायंगल बनने का, यहाँ आई हुआ। और 10th क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा, यहाँ पर यह अगर टेंजेंट है परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर यह टेंजेंट है परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर टेंजेंट है होगा कि नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीआईसी, हाफ का एरिया ऑफ ट्रायंगल बीआईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एआईबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एआईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ही, अगर बीआईसी करेंगे तो हाफ हो जाएगा, और यहां पर बीसी, अब ये वाला रेडियस ना है हो, तो BC into R, बोलो यस या नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस इनटू एल्टीट्यूड। अगला निकालेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, बोलो AB इनटू, और यहाँ हाफ ना है, AC इनटू R ना होगा, एरिया हो गया हाफ, आर कॉमन लोगे, BC में A होगा, AB में तुम्हारा C होगा, AC में B होगा, आरा समोसन में, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर और A प्लस B प्लस C है तो इसको 2S कहते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यानी R बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई
ये हुआ हाथी का दांत है दिखाने का, हाथी का दांत है दिखाने का, आंसर डायरेक्ट लाने का, आंसर रेडियस बराबर क्या फॉर्मूला हो गया जल्दी बताओ। तुम लोग देखो कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन में, देखो तुमको दे दिया होगा कि अगर कोई ट्रायंगल 3-4-5 का है, 3-5 तो इसमें सर्किल अगर इन सर्किल रखना है, क्या रखना है, तो उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो आप लोग बनाए होंगे पहले एक 3 का लिए होंगे, बोलो यस या नो। यहाँ से 4 लिया होगा, बोलो यार yes, और यहाँ से 5। तो अगर मान लिया जाए कि 3-4-5 से 3-4 यह सर्किल बन गया, यह सर्किल बन गया। तो तुम लोग बनाकर रेडियस का मेजरमेंट तो नहीं किया था ना, तो टेंथ में यही टीचर डंडी मार देता बिना मेजरमेंट का बोल देता है। वहां पर उसको प्रैक्टिकली करवाना है कि आपको कंपास से मेजरमेंट किया, स्केल से मेजरमेंट किया तो कितना आया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एस किया उससे कितना आ गया। अगर दोनों सही है, दोनों सही है, तो आपका कंस्ट्रक्शन क्या है, अदरवाइज सही नहीं है। तो इसका रेडियस बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें तो 1/2 × 3/4 होगा, तो 3×2 = 6 हो जाएगा, बोलो ना यार यस सर। और सेमी पेरिमीटर करेंगे, क्या करेंगे, ये भी क्या होगा 12/6 होगा, 6/6 कट गया। और चूंकि हमारा तुम लोग स्टूडेंट है, अरे हाँ या नहीं है, देखो ऑड नंबर रहेगा, क्या नंबर रहेगा, ऑड बनाना नहीं बन जाएगा, 2n+1 ऑड नंबर को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ये मैच्योर नंबर ले लेना, क्या ले लेना, n का जितना वैल्यू होगा, n का जितना वैल्यू होगा उतना ही रेडियस होगा, उतना ही रेडियस होगा। जैसे 5 बनाने के लिए क्या चाहिए तुमको, 2n+1 इसका तो 5 हुआ रे, n बराबर क्या चाहिए, 2 तो 2n सर होगा, क्या होगा 2। अब करके देखोगा तो 5×12 = 13 है, यदि आप ट्रायंगल निकालेंगे तो 5×6 = 30 होगा, बोलो यार नीचे वाला को जोड़ो, नहीं समझ में आया, बनाना नहीं है सर के पास, कुछ दिन बनाया नहीं जाता, सब हो जाता। चलो न्यूटन बताएगा 7, 24, 25 अभी तक ना बताया गुरुबक था, कल प्रूव कर ला, मेरा बात मान माना, बढ़ सकते 84 होगा, बोलो ना यार ना बोलवा, और 24 से 7 56 × 2 करेगा 28 होगा, अरे 28 होगा, 28 से 84 है ना बाबा, अरे बाबू 9, 40, 47 ऐसे चार मार देगा, करोगे ना भाई, अरे करेगा, बोलो ना क्या हो जाएगा, 180/45 आ गया है, तो बताओ 1161 से ट्रायंगल बनेगा तो उसमें कितना आएगा, 5 का आएगा, नहीं समझ में आया, नहीं आया, 13, 84, 85 छ, मतलब ये हुआ कि ऑड में खेल रहे तब वहां पर आपको 2n+1 कर देना, आंसर को मार देना है, माने सब हमें कर, इवेंट के लिए नहीं समझ में आया, इवेंट के लिए भी वही होगा ना, करके तो एक बार देख लो, अरे गुरबा पहले तो 4 है, यहाँ 4 हुआ,
या छ आठ दस न होगा बोलो ना जी तब यहाँ पर देखो छ गुने आठ करेगा तो कितना हो चौबीस तो हो गया यहाँ आठ छ चौदह ना समझ में लो अरे चार के लिए एक होता ना है अरे बोलना नहीं समझ में आ रहा बोलना चार के लिए दो दुना चार तो ये मेचो तो मन लेना है तो ये अगर देखो आठ है दस है आठ के साथ दो आठ पंद्रह सत्रह आठ पंद्रह तो तीन हो लगा क्या बोलता तीन पहले आंसर नहीं लगा तो पंद्रह चौकू सात बोला ना यार सात आंसर पहले लिखो मेरे यहाँ बनाए बनाने का कोई मतलब नहीं जितना दूर का पहाड़ पड़ेगा उससे कम आंसर होगा समझ में आ गया नीचे जोड़ो पंद्रह आठ तेईस सत्रह चालीस बटे दो बीस आए बनाने का नहीं अरे बाबू केमिस्ट्री मत पढ़ा दे मैं टाइम सब करने लगा एक रूम बुझा दूंगा अब मुंह ठीक है बा 10 24 26 अभी तक जवाब नहीं दिया तू बजे 10 होता नहीं घटा देना है सब दे देना है ना है ये हैं ना बा आ गया और तो आ गया तो आप इसको छोटा रेडियस बोलेंगे क्या बोलेंगे छोटा रेडियस यानी स्मॉल आर बराबर सभी को लोगों को फार्मूला आना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय क्या ना चाहिए अनुता क्या ना चाहिए अनुता चलो बंद करो जल्दी नोट करो कि रेडियस बराबर ही रेडियस नहीं इन रेडियस एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सीमेंट होता है कि नहीं यस सर और आप लोग का अनुसार अंदर घुसने की बात तो ये तुम्हारा डी हो गया ई हो गया ए बोलो ऐसे आओ नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास में थ्योरम पढ़ा था ये साइड ए साइड का ये इक्वल होगा नहीं पढ़ा था यस सर सही है लेंथ ऑफ टैंजेंट हो गया मुझे इसको टाइम के रूप में देखना है किसके रूप में देखना है तो ये एंगल बी का आधा है तो टैन बी बाई टू टैन सी बाई टू और टैन ए बाई टू मुझे दिखाई देना चाहिए और चूंकि आप लोग बोले हैं कि अंदर घुस सकते हैं इसलिए मैंने घुस गया नहीं तो यहां पर छोड़ देता अब अंदर घुस गया तो बहुत अंदर घुसेगा पूरा डिस्टेंस निकाल भी छो तो अब तुम्हारे पास बी डी अभी बराबर है या नहीं है पक्का और एफ जो है सी डी सी है बिल्कुल है इसमें कोई शक की बात नहीं कोई शक की बात अगर मैं 2BD बराबर BD प्लस BF लिख दूं कोई दिक्कत होगा
नहीं यार तुम लोग बता रहे यार, मैं थोड़ा सा रूपक ठीक है बोलो यार सही है यस सर आदेश है बीटी के बारे में लिख दिया। अगर मैं टू सी डी बराबर सी डी प्लस सी सी लिख सकते हैं बोलो यार लिख सकते हैं चलो ठीक है तुम लोग बोला यार मैं बोल रहा हूं अदरवाइज मैं बोलने वाला नहीं था। 2AF को क्या लिख सकते हो AF प्लस। अगर मैं जोड़ दूं तो 2 कॉमन हो गए BD प्लस CD प्लस। यस और देखिए BD है और CD है ये दोनों जोड़ दिए बीसी हो गए तो ये ए कहलाते हैं बी कहलाते हैं क्या कहलाते हैं तो पहले तो मैं बीसी लिखूं और बी ए और ए और सी ए सी हो गया कुछ मैं ठीक लिख रहा हूं क्या ऐसे गलती लिख रही है मेरी बहुत पुरानी आदत है टू बी डी सी डी कुछ मिल गया ना कुछ क्या हो गया बीसी ये और बीसी आपका अरे डंडी मारने की पुरानी आदत है अब यहां पर बीसी ए बी ए सी यस है ना यहां टू का टू हो गया बीसी के जगह पर क्या लिखेंगे ए एफ बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं यानी 2A प्लस ए एफ इसको 2S और 2 क्षमा 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 एफ इसका 2 एश माइनस गौर से देखो खेला होने वाला है अगर मैं टैन ए बाय 2 निकाला क्या निकाला आर बटे एफ राइट या रॉन्ग और एफ ऑलरेडी निकाल चुका हूं तो मैं अंदर में घुसा कि नहीं घुसा तो टैन ए बाय 2 टैन ए बाय 2 आर बटे यार ध्यान दो महाप्रभु लोग आर बटे एस माइनस ए और हम तो खिलाड़ी हैं एस माइनस ए टैन ए बाय 2 बोलो यस या नो यस सर यानी जो रहेगा जो रहेगा वही कटेगा वही कटेगा अपनाने की कोई जरूरत नहीं है यानी आर बराबर दूसरा क्या होगा नहीं पता है टैन बी बाय और आर बराबर तीसरा नहीं पता एस माइनस सी यस या नो यस ये भी हम लोग भूल लिया यानी इच्छा करेगा तो बीडी आराम से निकाल सकते हैं बीडी क्या होगा नहीं पता है मन करेगा तो सीडी नहीं निकाल देंगे बोलो ना यार निकाल सकते हैं कि नहीं यानी करने का सेंस कि हमारे इच्छा के अनुसार एक रेडियस हम लोगों ने पढ़ लिया है उसका नाम है इन रेडियस क्या नाम है इन रेडियस क्या नाम है इन रेडियस तो अभी आप लोग क्या पढ़ेंगे पता है एक्स रेडियस क्या पढ़ेंगे
क्या पढ़ेंगे? एक्स रेडियस। तो एक्स रेडियस पढ़ने के लिए तुमको एक्स सेंटर चाहिए। क्या चाहिए? एक्स सेंटर। तो पहले एक्स सेंटर का फॉर्मूला बनाओगे। ये करने आ गया सबको? सारे रेडियस कंप्लीट करने के बाद ही क्लास खत्म हो। 9 बजे का कि 9:15 बजे का, मैं तो नहीं जानता 9:15 बजे का कि क्या होगा। अब यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी है, इस साइड को बढ़ाएंगे तो ए दोनों के अकॉर्डिंग या एक्सटर्नल है, इसका बाइसेक्ट करेंगे। ये दोनों से ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल ये हो गया। फिगर बनाते जो सर्जन नहीं देखेंगे उनको तकलीफ हो। यहाँ देखिए आपको 3 सेंटर दिखाई दे रहा है। यस सर। कितना सेंटर? 3 सेंटर। एबीसी है। यस सर। 3 सेंटर दिखाई दे रहा है। यस सर। ए के सामने वाले को आई वन और बी के सामने वाले आई टू और सी के सामने आई थ्री। अब यहाँ ए के सामने है तो छोटा ए, बी के सामने है तो छोटा बी, सी के सामने है तो छोटा सी। यस या नो? यस। अब रेडियस की बात करोगे, किसकी बात करोगे? रेडियस की। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल खींचा जाएगा, इसको हम लोग बोलेगा आर1। क्या बोलेगा? आर1। क्या बोलेगा? आर1। क्या बोलेगा? आर1। यहाँ से यहाँ तक मिला लिया? यस सर। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से घट जाएगा, बोलो इसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। अरे एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया से इसको घटा देंगे तो बोलो इसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं? इसी ढंग से यहां दूसरी सर्किल बनेगा, इसका ए वाला पोजीशन का नाम हो जाएगा R2 और यहां पर तीसरी सर्किल बनेगा, ए वाला का नाम हो जाएगा क्या? R3। कितना हो गया जल्दी बताओ? R1 जिसके सामने रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जिसके सामने रहेगा वो माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई माइनस ए बी प्लस बोलो ऐसे आनो। इसका निकालिएगा तो क्या होगा पता है ना? बोलो ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बट्टा ए माइनस बी प्लस सी। बोलो होगा? यस। इसका निकालेगा तो क्या होगा पता है? ए एक्स वन माइनस बी प्लस बी एक्स टू माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री माइनस ए बट्टे ए प्लस बी माइनस। अगला हो जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री बट्टा ए प्लस बी माइनस सी। यस या नो? यस। और जहां तक रेडियस की सवाल है
अगर आर वन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? तो आर वन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया एस माइनस ए, एस माइनस ए, आर टू निकालेंगे तो क्या होगा? नहीं पता है। अब आर थ्री निकाल रहे हैं तो नहीं पता है, दिमाग में सेट हो गया। यानी एक्स रेडियस, एक्स रेडियस कितने टाइप का? तीन। कितने टाइप का? तीन। पहला आपका आर वन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आर वन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे सामने वाला वर्टिक्स होगा उसका सेगमेंट, उसका माइनस में हो, उसका सेगमेंट क्या में होगा? जैसे इस ट्रायंगल में हमने देखा एबीसी में ए के सामने है क्या है? ये माइनस हो गया। यहाँ पर ये बी के सामने है तो बी वाला माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर सी के सामने है तो सी वाला जल्दी से। अगर यहाँ tan a by 2 हो जाएगा तो इसको r1 बटे a ऑलरेडी पहले से घटा हुआ है, a कट जाएगा ना, r1 बटे क्या हो जाएगा? और यहाँ tan b by 2 बराबर क्या हो जाएगा? यस। tan c by 2 बराबर क्या हो जाएगा? और तुम जिस बुक को बना रहे हो ऐसे लोनी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इंडिया इंडिकेट करता है ट्रायंगल में, क्या करता है? और विदेशी लोग कैपिटल एस लिखता है, क्या लिखता है? और हम लोग सेमी परिमीटर को भी छोटा एस, और वो लोग छोटा एस कटुआ नहीं लिखेगा, ये छोटुआ लिखेगा, समझ में आया है? इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक रेडियस अभी हम लोग को और पढ़ना है, और यही तीन रेडियस होता है उसका नाम है सर्कम रेडियस। क्या नाम है? सर्कम रेडियस। ये भी आप लोग को 10th क्लास में ज्योमेट्री में करना था कि सर्कम सर्किल खींचना था, क्या खींचना था? चलिए नहीं खींचे थे, आज सीख लीजिए। तो आपको एक ट्रायंगल था और इसको बाहर से एक सर्किल खींचना था, तो सर बताए होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बताए होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना आप लोग को आता है, दो मिल गया बहुत है, ये आपका कहलाया सर्कम सेंटर। क्या कहलाया? सर्कम सेंटर। क्या कहलाया? सर्कम सेंटर। तो इस सर्कम सेंटर से ये ट्रायंगल एबीसी है, और ये सर्कम सेंटर से इसको कैपिटल आर, इसको भी कैपिटल आर, इसको भी ये सर्कल खींचा गया। बोलो और सेंटर तुमको हम सर्कम सेंटर को तीन बार भी पढ़ा चुके हैं, खाली फॉर्मूला तुम लोग को जानना है। तो सर्कम सेंटर का जो फॉर्मूला होता है, तो सर्कम सेंटर को लिखते कैसे हैं पहले तो ये भी जानना जरूरी होगा है। तो सर्कम सेंटर को इंडिकेट हम लोग सी से ही करते हैं, कैसे करते हैं? सी से। लेकिन बड़ा सी होता है, क्या होता है? बड़ा सी होता है। तो इसकी फार्मूला होता है x1 sin 2a, x2 sin 2b और x3 sin 2c, अब y sin 2a sin 2b। हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो इसकी काट निकालेंगे। अब ये समझिए कि ये हाथी का दांत है, इसे जानना होगा, रटना नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको सिखाएंगे। डायरेक्ट हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन, साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी। अब कैपिटल आर में तुमको हमको बताना है कि इसका क्या फॉर्मूला होगा,
आप लोग को साइन रूल बताए थे ए बटे साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी बटे साइन सी बी बटे साइन सी इक्वल क्या होता है ए टू आर क्या होता है टू आर यानी ए बराबर आप लिख सकते हैं टू आर साइन ए बी बराबर लिख सकते हैं टू आर साइन बी और सी बराबर लिख सकते हैं ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ क्या होता है हाफ बी सी साइन ए बोलो यस या नो क्या फॉर्मूला होता है देता हूं क्या फॉर्मूला होता है अगर इस साइन ए का वैल्यू इसका वैल्यू साइन ए का यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल तो है ही हाफ का हाफ बीसी का बीसी है ही तो साइन ए साइन ए बराबर ए बाय टू आर लिख सकते हैं बोलो ना यार तो यहाँ ए बाय टू आर लिख देंगे तो दो दुना क्या हो जाएगा चार यानी रेडियस बराबर ए बी सी by 4 area of triangle क्या फॉर्मूला होगा जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला होगा जल्दी बताओ कैपिटल आर इसका तो क्या फॉर्मूला होगा जल्दी बताओ क्या होगा फॉर्मूला और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल हाइपोटेनस का आधा होता है हाइपोटेनस का आधा यानी अगर कोई आपसे पूछ दे कि 3 4 5 में क्या होगा आपको बनाने की जरूरत नहीं है 5 का आधा होगा इसका क्या होगा यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू 2.5 यस या नो यानी आपको यहां पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है अब सवाल यह है कि तीनों रेडियस आपका आ गया कितना रेडियस आ गया एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं और तीनों रेडियस से जो क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वो सब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आज का होमवर्क आज ही कर लेंगे आज का होमवर्क आज ही क्योंकि आज नहीं करिएगा तो भूल जाइएगा अब भूल जाइएगा तो फिर निकालने में दिक्कत होगा आज कर लीजिएगा तो आपका दिमाग में सेफ होता है आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले इन रेडियस का फॉर्मूला क्लियर है एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको निकालने आता है और चूंकि ए से लोनी बुक पढ़ रहे हैं तो कैपिटल एस बाई स्मॉल एस बोलो एस या नो एकदम रेडी है अभी हम लोग क्वेश्चन देंगे दे जनादन करोगे दिक्कत आप देखो यहाँ कैपिटल आर करोगे क्या करोगे कैपिटल आर क्या करोगे कैपिटल आर मैं भूल गया क्या था फॉर्मूला ए बी सी बाय 4 ए ए बी सी बटा 4 बन रहा है खत्म कर देता हूँ प्रचार प्रसार कर देते हैं बच्चे जो रोल ऐसे देखेगा से पूछता है देखो ये तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पर आए गया स्पेशल केस रेडियस के बारे में या बैंड क्यों हो गया
बढ़िया बढ़िया जो कंपटीशन होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछता है, और जो भी क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल टेक्निकल ढंग से पूछता है, आपकी बनाने की उसमें कलम नहीं लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है जैसा ना, इन ए ट्रायंगल व्हिच साइड आर 18, 24, 30। मजा नहीं आया सर, इसको एकदम छोटा फॉर्म होना चाहिए। तो बोलो इसमें से छह शब्द से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? बोलो यार। यस सर। अरे उतना बड़ा ढो के क्या करोगे, फिर छह से शब्द गुणा कर देना, यानी ट्रायंगल तो बनाओगे। यार बातचीत करके हो तुम लोग बहुत तकलीफ में डालते हो, 3, 4, 5 का इसका बनाओगे, और जो भी आंसर आएगा उसको 6 से गुणा कर देना, क्योंकि 6 से कॉमन ले लिया था। बोलो यार सियानो। देखो पहला तीर को क्या कहता, ओ सेकंड रेडियस, क्या कहता? पांच का आधा कितना हो गया? 6 से गुणा कर दिया कितना हो गया? छह होता है आगे करने सर, छह कॉमन लिए छह से गुणा करिए सर, खेल का नाम। दूसरा क्या पूछता है? इन रेडियस क्या होता है? इन रेडियस। तो इसमें रेडियस एक होता है, और ऐसा ऐसा फ्लैग छह किया तो क्या हो गया? बोलो यार सियानो, बोलो यार। नहीं बोलोगे तकलीफ हो? आरवन जब निकालना था, क्या निकालना था? आरवन मतलब छोटका, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका कितना आ गया था? छह। एस कितना था? छह। छह में से तीन चला गया, कट गया तो दू, अच्छे मल्टीपल कॉमन लिए हुए थे। आ गए क्या? अरे बनाओ मत यार, हमारे साथ करते हो। आर टू क्या होगा? छह में से चार गया, दूती आई, सर बनाते हैं क्या है? आर थ्री में क्या है? 6/1 हो गया। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, उनको कॉमन लेने आता ही नहीं, तो उनकी कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। अरे कैलकुलेशन को जितना छोटा कर दोगे ना उतना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मजा आ गया, आया कि नहीं आया? इसमें मजा नहीं आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेगा कि नहीं निकालेगा? एस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और फिर फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? तो देखो यहां पर कैपिटल आर है, क्या है? तो कैपिटल आर का क्या फॉर्मूला होता है? See? Yeah.
देखिए, अगर सरकम सरकी किसी का इक्वल है, क्या है तो पूरा पूरा ढक लेगा, पूरा पूरा तो क्लियर है कि दोनों ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, बोलो इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बोलो ना यार। यस सर। तब पूरा पूरा ढकेगा जी, जैसे एक दूसरे कोई पूछे ना साइड 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 को प्रूव करना, बोला एक मिनट जो ट्रायंगल है उसको फाड़ दो, इधर वाले ट्रायंगल को फाड़ लो, एक दूसरा ट्रायंगल पर रख लो, पूरा पूरा ढक लिया, पूरा पूरा ढक लिया सर प्रूफ। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना बिल्कुल आसान है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। इस फिगर को उस फिगर पर रख दो, हो जाएगी नहीं? अरे जैसे दादी लोग नहीं बनाती है, क्या बनाती है उसको, गेंदर आ क्या उसको बोलते हो यार, उसको गद्दा टाइप का, तो कपड़े पर कपड़े पर कपड़े और फिर सूजी चलाते हैं लोग, सूजनी सूजनी उसको कहा है। बिछावन, बेड, बेडशीट नहीं कह सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करके हो जाता है। अच्छा मेरे घर में है, एक बार लाते हैं देखिए, अरे दादी का यार बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है, पूरा एकदम ट्रायंगल रेक्टेंगल सब बना दी उसी में। हाँ अगला बात देखिए, मजा आने वाला है, लगता है निकल जाएगा। देखिए ये आर वन है, क्या है लेकिन यहाँ झटके से बोल रहा है tan a by 2, tan a by 2।
तकलीफ बोले हो एस माइनस ए टैन ए बाय टू आर वन को हम लोग लिख सकता है एस टैन ए बाय टू बोलो या सियानो आर टू को तू लिख सकता है आर टू को एस टैन ए बाय टू एस बाय एस माइनस बी ये ऊपर चला जाएगा बोलो ना यार एस माइनस बी को मैं ऊपर भेजू चल जा ऊपर और ए वाले को फिर एस बटा एस बटा एस क्या है बटा एस यहाँ एस माइनस सी हो जाएगा एस एस में गुना किया तो एस स्क्वायर हो गया अब कैपिटल एस इज इक्वल टू रूट अंडर एस एस माइनस मजा लो मजा लो बनाओ बाईस तक टोटल बना लेना है चलिए